तो यहाँ नॉर्मली हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि गाड़ी के जो डोर हैं वो ऑटो लॉक होंगे या नहीं। तो यहाँ हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है और गाड़ी की जो स्पीड है वो 20 के अराउंड पहुँच गई है, और लेकिन जो डोर है वो ऑटो लॉक नहीं हुए हैं। तो इसके लिए आपको लॉक बटन को 5 से 6 सेकंड के लिए प्रेस करना पड़ेगा, और आप TFT के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ ऑटो लॉक ऑन की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आइए अब हम गाड़ी को चला के देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, गाड़ी की जो स्पीड है वो 15 तक पहुंचते ही गाड़ी के डोर ऑटो लॉक हो चुके हैं। तो ऑटो डोर लॉक को ऑफ करने के लिए आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, जिससे आपका ऑटो डोर लॉक सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएगा।